इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। तो देखा आपने नेताजी अपने पुराने अंदाज में कैसे नजर आए, 82 की उम्र में भी नेताजी का वही तेवर, लेकिन कहां वही पुराने नेताजी दिखाई दिए वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो इस बार के चुनाव प्रचार में ये दूसरा मौका था जब मुलायम सिंह यादव, जिन्हें सियासी गलियारों में नेताजी के नाम से जाना जाता है, वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। मंच पर पहुंचते ही मुलायम सिंह ने वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी उनके अगल बगल आने पर फटकार लगा दी और उनसे मंच से हटने को कहा। वहीं जब संबोधन के दौरान सपा कार्यकर्ता अति उत्साह में बैरियर लांघ कर डी में घुसने की कोशिश में लगे तो मुलायम ने उनको भी डांटते हुए सभी को पीछे रहने को कह दिया। तो साथ ही मंच से किसानों युवाओं का जिक्र भी किया। यहाँ सब क्यों आ रहा है बीच में? तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक सामने आपके चुनौती है, आज किसान की पैदावार उसकी कीमत सही मिल रही है और किसान बहुत मेहनत करता है, खाद बीज और बहुत मेहनत करके एक तैयारी करके पैदावार बढ़ाता है, लेकिन पैदावार किसान की कीमत का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है तो उपेक्षा हो रही किसानों की। इसी तरह नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेहनत कर रहे और वो नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, नौकरी मिल रही। इसी तरह से और भी तमाम चाहते हैं, उनकी उपेक्षा हो रही और समाजवादी पार्टी का एक लक्ष्य है कि जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे उपेक्षित हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पेशारा है, इनको विशेष सुविधा दे करके देश का सम्मान बनाने के लिए गरीबों की हर की करेंगे। तो इन सबके बीच आपके मन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि करहल में अखिलेश यादव के प्रचार के बाद आखिर किसके लिए मैदान में कूदे नेताजी, आखिर किसके लिए प्रचार करने मुलायम सिंह को आना पड़ा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल मुलायम सिंह यादव सपा उम्मीदवार लकी यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। लकी यादव मुलायम सिंह यादव के जिगरी दोस्त रहे पारसनाथ यादव के बेटे हैं, जिन्हें मुलायम अपना बेटा मानते हैं। लकी यादव जौनपुर की मलहनी से सपा के मौजूदा विधायक हैं और एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें कि 2020 में पारसनाथ यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे लकी यादव को सपा ने प्रत्याशी बनाया था। उस वक्त जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें सिर्फ एक ही सीट पर सपा को जीत मिली थी और ये थी मलहनी सीट। लकी ने बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हराकर अपने पिता की विरासत को बरकरार रखा था। अब इस बार फिर से धनंजय सिंह से उनका मुकाबला होना है। इस बार धनंजय सिंह जेडीयू से चुनाव मैदान में है। वैसे सपा संरक्षक ने 2017 के चुनाव में भी सिर्फ 2 रैलियां की थी। जी तब भी 2 ही रैलियां थी, लेकिन तब वो जो रैलियां थी उसमें एक नाम शिवपाल यादव का था, जसवंत नगर में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, और दूसरी जो जनसभा थी वो पारसनाथ यादव के लिए मलहनी में ही की थी और ये दोनों सीटें सपा को बंपर जीत के साथ मिली थी। तो इस बार फिर से मुलायम सिंह ने यहां पर प्रचार किया और सपा को जितवाने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं को दिलवाया। एक नारा भी सपा संरक्षक देते हैं, सुनिए। बड़ी आप तो उम्मीद करके आई है, इस जनता की उम्मीदों को पूरा करना हमारा आपका लक्ष्य रहेगा और इसलिए आप अपील है कि नौजवानों पढ़िए लिखिए सब करिए, चाहते हैं 1 घंटा देश को बाकी अपने पेट को, 1 घंटा देश को बाकी अपने पेट को, ये धरना नाराजगी को, 1 घंटा देश को बाकी है पेट को। तो भाई ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ जौनपुर की मलहनी सीट से ही मतलब नहीं है, बल्कि ये तो संदेश है पूर्वांचल की सियासत में एक बार फिर से नेताजी को खड़ा करने की कोशिश, जिसके जरिए एक इमोशनल अपील कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में की जा सके, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक.in, क्योंकि
खबरें ही नहीं, खबरों की खबर हम आपको दिखाते हैं, तमाम एनालिसिस भी आप तक पहुंचाते हैं। और कोशिश हमारी यही है कि 10 तारीख को भले नतीजे आए लेकिन उसके पहले ही एक पिक्चर हम आपको बता दें कि कौन जीत रहा है यूपी।